दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुआ था उसकी जो काउंटिंग है वो बिल्कुल आखिरी चरण में है, और अब जो वहां के उम्मीदवार डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन है वो सत्ता के काफी करीब पहुंचे बताए जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एक रंगारंग समारोह को एड्रेस किया था, उस वक्त उन्होंने एक नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। और भी कई जगह इसकी अनुगूंज सुनी गई, लेकिन बहरहाल मतगणना का जो आखिरी चरण है उसमें बाइडेन आगे बताए जा रहे हैं, और बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि अगर कोई कानूनी पेंच न पैदा हुआ तो शायद बाइडेन राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसी तरह बिहार अपने देश में जो चुनाव हो रहा है, बिहार में आज आखिरी चरण है मतदान का। वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि इस बार भी नीतीश सरकार, विकास को अगर आगे ले जाना है बिहार के तो नीतीश सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग भोजपुरी अंदाज में इसी नारे को कहते थे, बिहार में अब की बार भी नीतीशे सरकार। अब कौन जाने कि वहां ट्रंप सरकार आई नहीं आई, यहां बिहार में नीतीश सरकार आएगी नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर नारे जो हैं वो कई बार असलियत होते हैं, कई बार असलियत नहीं भी होते, कई बार वो बुरी तरह पिट भी जाते हैं और उसके बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो दोस्तों हम बिहार के चुनाव पर ही आज अपनी बात फोकस करेंगे, और मैं आपको ले चलता हूं बिहार के चुनाव के उस दौर में जो आखिरी चरण जिसे कहा जाता है। आखिरी चरण अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, और आखिरी चरण का जो मतदान है उसमें कुल 78 सीटों पर मतदान आज हुआ था। यह 15 जिलों में पड़ती है। इन 78 सीटों में दो रीजन है जहां पर यह मतदान हुआ, एक का नाम है कोसी और दूसरे का नाम है सीमांचल। सीमांचल की सीटों में बड़ी बड़ी डायवर्सिटी भी कह सकते हैं, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां मुस्लिम माइनॉरिटी जो है कई सीटों पर उनकी संख्या काफी अधिक है। इसीलिए सीमांचल में इस बार MIM भी पहले की तरह, पहले भी वो लड़े थे, इस बार भी कई सीटों पर लड़ रहे हैं, और कोशिश उनकी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाए। हालांकि उनका यह कहना है कि हम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और जाहिर है हर पार्टी ऐसा करती है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी दूर से आकर के और सीमांचल में इतनी मेहनत जो MIM कर रही है उसके पीछे वजह क्या है। अभी तक MIM को इतने वर्षों की कोशिश के बाद सीमांचल में केवल एक सीट मिली थी किशनगंज की, विधायक की, लेकिन लोकसभा में वो भी संभव नहीं हुआ। इस बार कोशी और सीमांचल इन दोनों रीजन्स को अगर आप देखें तो इस रीजन में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि क्या वो अपने अति पिछड़ा और महादलित वोटों को फिर से या जनाधार को फिर से अपने साथ जोड़ पाएंगे या नहीं। क्योंकि पिछली दफा जब चुनाव हुआ था 2015 में असेंबली का, तो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी दोनों साथ थे और कांग्रेस भी उनके साथ थी। उस वक्त 78 सीटों में बहुत बड़ी मेजॉरिटी महागठबंधन को मिली थी, और उसमें मैं आपको बताऊं कि 24 सीटें नीतीश जी की पार्टी को मिली थी, 20 सीटें RJD को और 10 सीटें कांग्रेस को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें पाई थी, CPIML को एक सीट मिली थी और 4 सीटें अन्य लोगों को मिली थी। BJP को 19 सीटें मिली थी और 5 सीट पर अन्य जीते थे जिसमें एक CPIML। दिलचस्प बात यह है कि इस बार चूंकि इक्वेशन बदल गया है और अति पिछड़ा और महादलित वोटों में महागठबंधन की पैठ भी बढ़ी है। दोस्तों मैं
चुनाव के इस आखिरी चरण में कोई भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि भविष्यवाणियों में मेरा यकीन भी नहीं है। जिन लोगों ने ओपिनियन पोल बहुत सारे दिखाए ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, आज वो लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। हम आपको एग्जिट पोल भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूरी, क्योंकि हमारा कहना है कि इंतजार 10 तक किया जाना चाहिए, लेकिन हम आज जरूर ये बताएंगे आपको बहुत संक्षेप में कि पहले चरण, दूसरे चरण और आज जो तीसरा चरण बीता है अभी अभी कुछ देर पहले, इसमें समीकरण किस तरह के हैं और ये चुनाव किधर जाता हुआ नजर आ रहा। हर व्यक्ति के सामने, हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में ये सवाल है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। दोस्तों, पहले चरण के बारे में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि महागठबंधन की उसमें बढ़त हुई और ये बात दूसरे चरण तक भी काफी हद तक कायम है। लेकिन दूसरे चरण के बारे में एक मत विभाजन भी दिखाई दे रहा है। मत विभाजन यह है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कुछ हलके सेकंड फेज की जो सीटें थी 94, उसमें कुछ हलकों में महागठबंधन को बढ़त मिली है, लेकिन कुछ एक जो सीटें हैं या कुछ एक जो क्षेत्र हैं वहां पर एनडीए ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है, क्योंकि उस समय तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, उन लोगों ने जो हिंदुत्व का एजेंडा सामने लाया उससे थोड़ा बहुत पोलराइजेशन या थोड़ा बहुत वोटों की जुटान शायद हुई हो, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि उसी समय ये बात आई थी कि साहब यहां जय श्री राम नहीं कहने दिया जा रहा है, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई थी। इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो एनडीए जो है महागठबंधन का के एजेंडे का पीछा करते हुए लगातार नौकरियों के बारे में बात करती थी, विकास के बारे में बात करती थी, ये कहती थी कि नीतीश कुमार के सुशासन को आगे रखना है। लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही जंगल राज, अब जय श्री राम, हमने मंदिर बना दिया वगैरह वगैरह, ये सारी बातें सामने आ गई। तो दूसरे चरण के बारे में एक कंफ्यूजन जरूर अभी तक है कि उसमें सबसे अधिक बढ़त किसकी है, लेकिन अभी तक जो जमीनी जो सच्चाई के आधार पर रिपोर्ट करने वाले बिहार के रिपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि वहां भी महागठबंधन को बढ़त है, चाहे वो मामूली हो या थोड़ा सा ज्यादा हो। ये जरूर है कि पहले फेज की तरह शायद बढ़त उतनी ज्यादा नहीं है। जहां तक तीसरे चरण का प्रश्न है, तीसरे चरण के बारे में बड़े पैमाने पर यह माना जा रहा है कि इसमें अगर महादलित और अति पिछड़े समाज में महागठबंधन की पोजीशन पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले के मुकाबले जो हम कहते हैं तो नीतीश कुमार और आरजेडी का जो गठबंधन है आज वो नहीं है, तो अगर आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और कांग्रेस, इन पार्टियों के गठबंधन ने अगर उत्पीड़ित समाज के ज्यादातर हिस्सों में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया तो निस्संदेह ये बाजी जो है महागठबंधन के हाथ आएगी। और वैसी स्थिति में माना जा सकता है कि चाहे जितने प्रयास किए गए हों लोगों को डिवाइड करने के, विभाजित करने के, लेकिन महागठबंधन शायद इस चुनावी दौड़ में आगे आ सकता है, बशर्ते कि चीजें बेहतर ढंग से, निष्पक्ष ढंग से और पारदर्शी ढंग से हुई हों और किसी भी तरह के मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश न बनी हो। तो ले देकर जो बिहार का सूरत हाल है, बिल्कुल आखिर में मैं कहूंगा कि जब ये चुनाव की शुरुआत हुई थी तो हम जैसे लोग भी मानते थे कि एनडीए आगे है, क्योंकि एक तो डबल इंजन की सरकार, वहां पर नीतीश कुमार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दोनों बड़े मजे हुए खिलाड़ी, और दूसरी तरफ महागठबंधन जिसे आप कहते हैं उसके नेता लालू प्रसाद वो अनुपस्थित है, वो जेल में है। तो उनके जो सुपुत्र हैं जो बहुत कम उम्र के हैं, माना जा रहा था कि उनके पास ये दो बड़े महाबलियों से फाइट आउट करने का, शायद इनसे मुकाबला करने का शायद उतना अभी अनुभव नहीं है, उतनी दक्षता नहीं है, उतना कौशल नहीं है। लेकिन 10 लाख रोजगार के नारे से जिस तरह की फिजा उन्होंने बदल दी उसको चमत्कारी कहा जाएगा। और जो एनडीए शुरू में लगा था कि बिहार के चुनाव को आसानी से जीत लेगा, उसके लिए
भारी मुश्किलें पैदा कर दी महागठबंधन ने। और महागठबंधन की एक सबसे बड़ी जो खूबसूरती सामने आई, राजनीतिक जो कौशल सामने आया, वो आरजेडी और वामपंथियों के बीच का गठबंधन था। तो देखना यह है कि अब जब मुकाबले कांटे का है, जब यह लड़ाई कांटे की है, क्या महागठबंधन अपनी बढ़त को अंतिम चरण तक बनाए रखता है। अगर बनाए रखेगा तो निसंदेह बाजी उसके हाथ में होगी, अदरवाइज कुछ भी परिणाम सामने आ सकते हैं, चुनाव इसी का नाम है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.